वेलकम फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल एसपी टेक्निकल सरजी। तो जैसा कि हम बता दें कि आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं इलेक्ट्रिकल वाले जितने भी ब्रांच के लोग हैं, मैं उनके सब्जेक्ट को उनके सिलेबस के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं चीज़ें ये बताऊँगा कि आप लोग कितने नंबर के इंटरनल या एक्सटर्नल वाइवा प्रैक्टिकल्स होते हैं, इन सब चीज़ों को मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊँगा। तो अगर यदि हमारे चैनल पर आप नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि आपके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला सब्जेक्ट आपका है कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट CS, और दूसरा है अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, तीसरा है अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, चौथा है इंजीनियरिंग ड्राइंग ED, और पाँचवा है बेसिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और छठवा है अप्लाइड केमिस्ट्री, और साथ ही साथ सातवां यानी कि लास्ट देखें तो जनरल वर्कशॉप फर्स्ट है। यानी कि आपको टोटल 7 सब्जेक्ट पढ़ने, यानी कि 7 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं इस सेमेस्टर में। अगर यदि हम पहला बात करें CS यानी कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट का, तो कम्युनिकेशन स्किल में आपके है क्या, मैं थोड़ा सा चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ। कम्युनिकेशन स्किल में यही है कि आप लोगों की कितनी ज़्यादा स्किल ग्रोथ किया, कितना ज़्यादा आपका स्किल काम कर रहा है, यही सब चीज़ों से रिलेटेड चैप्टर्स है। जैसे कि आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हो तो इंटरव्यू में किस तरीके से आप जाओगे, कैसे अपना प्रोफेशन दोगे, कैसे अपने को प्रेजेंट करोगे, ये सब चीज़ें है। और यदि कहीं आप गए, मान लीजिए कि जैसे कि कहीं ग्रुप में आप बैठे हो, उस ग्रुप के दौरान आपका क्या प्रेजेंटेशन है, आप कैसे बिहेव करते हैं, आपका कैसे मूवमेंट से, मतलब हर एक चीज़ आपका कम्युनिकेशन स्किल में इसमें इन्वॉल्व है। यही सब चीज़ें आपको कम्युनिकेशन स्किल में पढ़नी है, यानी अपने कम्युनिकेशन स्किल को यानी कि डेवलप करना ही कम्युनिकेशन स्किल में है। और यदि हम बात करें इसमें कितने नंबर का आपका प्रैक्टिकल है, कितने नंबर का वाइवा, कितने नंबर का रिटर्न है, तो ये जान लीजिए कि 50 मार्क आपका रिटर्न होने वाला है, साथ ही साथ 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा और 30 नंबर का आपका वाइवा होगा। यानी कि टोटल आपके 100 नंबर का एग्जाम जिसके होने वाले हैं। और यदि हम दूसरा बात करें अप्लाइड फिजिक्स का, तो अप्लाइड फिजिक्स में मैं बता दूं आपको यही बेसिक से ही फिजिक्स आपका इंटर के रिलेटेड चीज़ें हैं इसमें। और यदि इसमें बात करें नंबर की तो 50 मार्क का इसमें भी आपका रिटेन होगा और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, 30 नंबर का वाइवा, यानी कि टोटल 100 मार्क का होगा। यदि और हम आगे बढ़े और तीसरा बात करें, तीसरा अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री जो है बेसिक्स इंटर के लेवल की केमिस्ट्री है, जो कि आपके लिए बहुत ईजी होगा। जो लोग इंटर करके आएंगे उनको तो आसानी से हर चीज़ समझ में आ जाएगी, जो कि बहुत ही ईजी वे में है। और इसमें भी यदि हम बात करें नंबर का, तो इसमें भी 50 मार्क का आपका थ्योरी होगा यानी कि रिटेन, और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा, 20 नंबर का वाइवा, यानी कि टोटल आपके 100 नंबर के होने वाले हैं। और यदि हम अगला देखें चौथा इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट, इसमें केवल रिटेन होता है, इसमें कोई प्रैक्टिकल कोई वाइवा नहीं होता है, जो आपके 60 यानी कि 60 नंबर का होता है। और अगला जो बात करें अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स आपका इसमें 50 मार्क का आपका एक्सटर्नल होता है और 50 मार्क आपका इंटरनल यानी कि कॉलेज की तरफ से मिलता है, यानी कि टोटल 100 नंबर का इसका भी होता है। और यदि हम छठवां बात करें तो बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी है ओनली, इसमें आपका प्रैक्टिकल्स एंड वाइवा, नो रिटेन, इसमें प्रैक्टिकल ही वाइवा होगा, इसमें रिटेन एग्जाम नहीं होगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि 60 नंबर का आपका प्रैक्टिकल वाइवा होगा और 40 नंबर आपको कॉलेज की तरफ से मिलने वाला है। और लास्ट हम सातवां बात करें तो जनरल वर्कशॉप, इसमें क्या है कि इसमें आपको जैसे कि आप फाइल जैसे आप प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल कराया जाएगा सब कुछ होगा इसमें, लेकिन हाँ रिटेन इसमें नहीं होगा, तो आपको फाइल बनाना पड़ेगा, ऐसे फाइल पे नंबर मिलता है, वाइवा पे नंबर मिलेगा, प्रैक्टिकल पे नंबर मिलेगा, लेकिन आपका इसमें भी रिटेन एग्जाम्स नहीं होने वाला है। तो आप ये जान लीजिए कि 60 नंबर आपके प्रैक्टिकल्स और वाइवा से मिलने वाला है, साथ ही साथ आपके 40 नंबर आपको कॉलेज की तरफ से मिलने वाला है। ये है आपके टोटल 7 सब्जेक्ट जो आपको क्वेश्चन में 7 सब्जेक्ट ये पढ़ने हैं। अगर यदि आपको अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छे परसेंटेज बनाने हैं, तो आपको शुरू से ही स्टार्टिंग से ही लग जाना होगा और चीज़ों को अच्छे से समझना होगा, साथ ही साथ पढ़ना होगा, जो कि मैंने चीज़ों को बता दिया है। अगर यदि और कुछ भी डाउट्स हो आपको इस चीज़ों से रिलेटेड, तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं, हमसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।